हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने हल्दी और अरवी के बारे में। हल्दी को कैसे उगाएं, अभी मौसम चल रहा है, लगभग हम अप्रैल से लेके और जून तक हल्दी को उगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरी ये हल्दी है, कच्ची हल्दी मार्केट से मैंने ली थी और इसको लगभग एक हफ्ते के लिए मैंने किसी कंटेनर के अंदर इस तरह से टिश्यू पेपर में लपेट के और हल्का सा इसको वेट करके रख दिया था, बंद करके अंधेरी जगह पे। तो आप देख सकते हो कि मेरी सारी हल्दी में स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसी तरीके से ये मेरी अरवी है। अरवी को भी मैंने ऐसे न्यूज़पेपर में या टिश्यू पेपर में लपेट के आप इसको हम रख सकते हैं डब्बे के अंदर पैक करके हल्का सा गीला करके। तो देखिए, इसकी तो रूट भी बनना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए जानते हैं कैसे इसको ग्रो करें। तो दोस्तों, हल्दी और अरवी को उगाने के लिए सबसे पहले हम कंटेनर का साइज चेक करते हैं। ये देखिए, कुछ जो फ्रूट कैरेट होती है उसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसके मतलब हल्दी और इसको उगाने के लिए थोड़ा सा डीप और चौड़े पॉट की आवश्यकता होती है। अगर आप पॉट में उगा रहे हैं और क्यारी में ग्राउंड फ्लोर पे उगा रहे हैं ग्राउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पॉट में कंटेनर में कर रहे हैं तो इस तरह का चौड़ा और डीप कंटेनर हमें चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसके पॉटिंग मिक्स की। तो पॉटिंग मिक्स जो इसकी मिट्टी होती है एकदम पोरस होनी चाहिए और पूरी अच्छे से उसमें खाद मिला के 50% मिट्टी और 50% इसमें कंपोस्ट की खाद डाल सकते हैं या फिर गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट जो भी आपके पास है उसको मिलाइए। और बिल्कुल इस तरह की देखिए मिट्टी का टेक्सचर, देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट मिट्टी इसके लिए हमें बनानी है। दोस्तों, अरवी और हल्दी और अदरक ये ऐसी फसलें हैं, ऐसी क्रॉप है जिसको मतलब नीचे इसके जो रूट है, रूट में नीचे इसकी फसल होती है। तो जितना गहरा और जितनी पोरस सॉफ्ट मिट्टी रखेंगे उतनी अच्छी हमें इसकी फसल मिलेगी। तो मिट्टी का टेक्सचर हमें बहुत ध्यान रखना है और अच्छे से पोषण वाली मिट्टी यानी कि खाद वाली मिट्टी हमें बनाकर तैयार रखनी है। ये फसल लगभग 8 से 10 महीने में तैयार होती है। तो आपको ऐसे कंटेनर का सिलेक्शन करना होगा जिसका आपको रीयूज़ ना करना पड़े, यानी कि विंटर के लिए सितंबर अक्टूबर में ये कंटेनर खाली नहीं होंगे, ये जाके हमारे दिसंबर जनवरी में खाली होते हैं। तो इस तरह के कंटेनर में इसको उगाइए जहां आप निश्चिंत हो जाए एक बार लगाने के बाद। चलिए, सबसे पहले दो कंटेनर में मैं अरवी लगाती हूँ और दो में हल्दी लगाऊंगी। तो हल्दी को देखिए, बड़ी सावधानी से इसमें रूट निकल रही है और इधर से स्प्राउट निकल रहा है। तो इस तरीके से इसको फ्लैट में हम रख देंगे और एक कंटेनर में मुश्किल से 4 ही प्लांट आपको लगाने हैं, यानी कि 4 अरवियाँ इसके अंदर आपको रखनी हैं ताकि इसको नीचे फैलने के लिए पूरा स्पेस मिले। तो दो मैंने इस तरफ लगा दी है। इसके बाद ये अगले कंटेनर में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने लीफ कंपोस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ है ताकि मेरी मिट्टी जो प्लांट जो भी मैं इसमें ग्रो करूँगी उसको अच्छे से पोषण भी मिले और मिट्टी भी मेरी सॉफ्ट रहे। धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा ये और मेरे प्लांट को पोषण देगा। इसके अंदर हम लगाते हैं अपनी हल्दी। हल्दी दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से हल्दी के राइज़ आपको मार्केट में या सब्जी वाले की दुकान पे बहुत ईजिली मिल जाते हैं, कच्ची हल्दी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हल्दी को हम एक एक करके इसमें लगा देंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा एक ही कैरेट के अंदर बहुत ज़्यादा राइजोम नहीं लगाने हैं। ये 3 इधर लगा दिए और 2 मैं इनको कवर करके 2 इस साइड में लगा देती हूँ और इसको अच्छे से कवर कर देती हूँ। एक कैरेट के अंदर लगभग 5 से 6 हल्दी के राइजोम के अलावा ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो फिर ये प्लांट्स में कंपटीशन होगा और ये प्रॉपरली इनको फूड ना मिलने के कारण सिर्फ ऊपर तो ग्रोथ होगी लेकिन नीचे हमारी हल्दी नहीं बन पाएगी। हल्दी और अदरक को उगाना बहुत ही आसान है। आप भी अपने घर में अपने कंटेनर में हल्दी को उगाइए और उसके बाद इस तरीके से लगाने के बाद इसको कवर कर दीजिए हल्के हाथ से। बस मिट्टी का हमें ध्यान रखना है कि मिट्टी हमें बिल्कुल पोरस बनानी है, हल्की बनानी है, लाइट सॉफ्ट और खाद से युक्त पूरी तरह से अच्छे से इसके अंदर खाद होना चाहिए, तभी हमारे जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो होंगे और अच्छी फ्रूटिंग हमें करेंगे, यानी कि हमें काफ़ी हद तक ज़्यादा मात्रा में हल्दी मिलेगी और प्योर अपने गार्डन की अपने हाथों से उगाई हुई हल्दी और अदरक। हल्दी और अरबी को लगाने के बाद इस तरीके से हम इसके अंदर वाटरिंग कर देंगे इसको अच्छे से। बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, बस ऊपर से मिट्टी को, वैसे तो नमी है मिट्टी में, ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर हम डाल देंगे और अब इसमें कोई केयर की आवश्यकता नहीं है। बस एक हफ्ते के अंदर अंदर ये प्लांट्स हमारे बाहर निकल आएंगे, कोई इसमें बीमारियाँ नहीं लगती, कोई इसमें स्प्रे करने की कोई पेस्ट इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक नहीं होता है। तो बहुत इजी टू ग्रो है दोस्तों, आप भी लगाइए अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हल्दी और अरवी को लेके
वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।